नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M15 5G versus Realme 12X 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M15 5G में 6.3 इंच जबकि 12X 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो M15 5G में 3.02 इंच जबकि 12X 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि M15 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो M15 5G में 0.37 इंच जबकि 12X 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M15 5G में 217 ग्राम जबकि 12X 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M15 5G में सुपर एमोलेड जबकि 12X 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो M15 5G में 19:5:9 जबकि 12X 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M15 5G में 6.5 इंचेस जबकि 12X 5G में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M15 5G में 1080x2340px FHD+ और 12X 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M15 5G में 84.17% जबकि 12X 5G में 86.51% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M15 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 12X 5G में 392 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M15 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 12X 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो M15 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 12X 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो M15 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 12X 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Mali-G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Dimensity 6100+ मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 3 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो M15 5G में अप टू 1TB जबकि 12X 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी M15 5G में 6000 mAh जबकि 12X 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो M15 5G में 3 कलर्स जबकि 12X 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M15 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीज़
6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,682 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12X5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी M15 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी 12X 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M15 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G04 4G है, दूसरा रियलमी 12 5G है, तीसरा रियलमी नाजो N65 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी नाजो N63 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।